नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां हम डिफेंस और विदेश नीति से जुड़ी हर बड़ी खबरों का विश्लेषण करते हैं। स्वीडन के डिफेंस मिनिस्टर पीटर हॉलक्विस्ट ने स्वीडिश फाइटर जेट साब ग्रिपन को लेकर भारत के MMRCA 2 के लिए एक आकर्षक ऑफर दिया है। MMRCA 2 के अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स अपने पुराने स्क्वाडन को बदलने के साथ साथ अपनी घटती स्क्वाडन की संख्या को बनाए रखने के लिए 114 फाइटर जेट्स की तलाश में है। ये दूसरी बार है जब कोई टॉप स्वीडिश गवर्नमेंट के लोग ग्रिपन के लिए ऑफर कर रहे हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने मार्च में एक वर्चुअल समिट के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये मामला उठाया था। तो स्वीडन का जो ऑफर है उसमें 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की गई है। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ग्रिपन कितना कैपेबल एयरक्राफ्ट है, साथ में हम ये भी जानेंगे कि किस कारण से इसे नहीं चुना जा सकता है। इंडिया को जो फाइटर जेट ऑफर हुआ है वो साब ग्रिपन NG है। इसे साब ग्रिपन ई भी कहते हैं, जो कि ग्रिपन का ही एक एडवांस्ड वेरिएंट है। ये एक सिंगल इंजन का मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसका ओवरऑल लेंथ 15.2 मीटर का है, विंग स्पैन 8.6 मीटर है और टेक ऑफ वेट 182 टन है। इसमें जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि 98 kN तक का थ्रस्ट जनरेट करता है। बात करें अगर इसकी स्पीड की तो इसकी मैक्सिमम स्पीड मार्क 2 की है। कॉकपिट की बात करें तो ग्रिपन ई में एक डिजिटल कॉकपिट है, जिसमें 3 बड़े मल्टीफंक्शनल डिस्प्ले लगे हुए हैं, जिसमें कुछ 3D स्क्रीन्स भी हैं। कॉकपिट में एक हैंड ऑन थ्रॉटल एंड स्टिक हॉटास दिया गया है, जो कि एक बेटर सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोवाइड करता है। इसमें सेलेक्स ES-05 रेवन AES रडार लगाया गया है, जो कि एक एडवांस रडार सिस्टम है। इसके अलावा इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम यानी कि IRST सिस्टम, हाईली एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इसे बेहतरीन बनाते हैं और पायलट को बेहतरीन सिचुएशनल अवेयरनेस भी प्रदान करते हैं। वेपन्स की बात करें तो इसमें 10 हार्ड पॉइंट होते हैं और ये हर तरह के यूरोपियन और वेस्टर्न वेपन को लॉन्च कर सकता है, जिसमें गाइडेड मिसाइल्स, अनगाइडेड मिसाइल्स, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स और मीडियम रेंज की मिसाइल्स को लॉन्च कर सकता है। इसी के साथ ये मेटियोर्स मिसाइल को भी लॉन्च करने में सक्षम है। ओवरऑल ये एक कैपेबल एयरक्राफ्ट है, जो कि इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ठीक बैठता है। और इस प्लेन का जो सबसे बेहतरीन और अट्रैक्टिव फीचर है वो है इसका पर आवर ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो कि 34,000 रुपये है। अगर इसे हम रफाल से कंपेयर करें तो रफाल का पर आवर ऑपरेटिंग कॉस्ट 12 लाख रुपये है। इसी वजह से साब ग्रिपन का जो ओवरऑल मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी कम हो जाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम कहां कहां पर आती है उसे भी डिस्कस करते हैं। स्वीडन के तरफ से जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफर की जाती है वो कंप्लीट नहीं होती है, क्योंकि इसमें बहुत से कंपोनेंट्स अमेरिकन और ब्रिटिश ओरिजिन के हैं और वहां पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसके काफ़ी ज़्यादा फीचर्स तेजस MK2 से मेल खाते हैं। तो ऐसे में जब आपके पास अपना एक ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा हो तो ऐसे में कोई दूसरा सेम फीचर का एयरक्राफ्ट लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कारण जरूर बताएं, ताकि अगली बार हम वीडियो को और भी अच्छे तरीके से आपके सामने रख सकें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिंद की सेना।